नहीं मिलता कोई उसका जमाने में जवाब, और नहीं मिलता कोई उसका जमाने में जवाब। आपने लगाए ग्राम से हजरत किबला फखर मिलत के बारे में सुना, हजरत किबला आलम अमीर मिलत इसके जमात रिशा से मुहदसरीपुरी, आपने मेरे वालद ग्रामी हजरत किबला जौहर मिलत को इशारा फरमाया, अक्सर हुसैन अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाए और उसका नाम अफजल हुसैन रखा है। आप आज के लिए तस्वीर लेके जा रहे हैं, अफजल हुसैन अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाएगा और उसका नाम अफजल हुसैन रख रहा है। और आपने साथ ही ये बात फरमा दी कि वो मादरजाद वली अल्लाह ये कौन कह रहा है, अमीर मिल्लत कह रहे हैं, आम आदमी नहीं कह रहा। और आपने लोगों के नाम से सुना कि 7 साल की उम्र में 1942 में आपकी विलादत होती है और 1949 7 साल पूरे हुए तो हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत मस्जिद शाह जमान नारोवाल में पीर भाई जाते हैं, हमने शायद देखी हो, ये जगह वो है जहाँ मिर्जे के खलीफा नूरुद्दीन से हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत का मार्का हुआ। नूरुद्दीन जब वहां पहुंचा तो हजरत किबला आलम भी तशरीफ लेके गए और आप अजीर थे, बीमार थे, चला नहीं जा सकता था। आपने फरमाया मेरे चारपाई उठा के ले चलो, करते हैं कि हुजूर हम चले जाएंगे, फरमाया कि नहीं, कल अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ तो मुझसे पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मेरी चारपाई उठा के ले चलो। 3 दिन में आपकी चारपाई उठा के ले जाती रही और आप वहां जब खिताब फरमाते तो लोग कहते हैं कि इस तरह आप गए थे जैसे कोई शेर जो है वो बोल रहे हैं। और 3 दिन में आपने फरमाया कि भाई ये जगह बसों का अड्डा था, अब बिल्कुल शहर के बिल्कुल मरकज में है, फरमाया कि जहां हम नमाज पढ़ चुके हैं इसलिए बसों का अड्डा नहीं जहां अल्लाह का घर बनेगा। फिर आपने अपने पैसे ताव फरमाए और वीर भाइयों ने तावन किया, फिर आप तावन फरमाते रहे, बहुत बड़ी मस्जिद है जामिया शाह जमात, उस मस्जिद में आप तशरीफ लेके गए तो लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि लोगो भाई ये मेरा पोता सैयद अफजल हुसैन, देखो इसने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिए। हजरत अमीर मिल्लत मुखातिब करके लोगों को फरमा रहे हैं कि इसने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। फिर आपको स्टेज पर बिठाया गया या मिंबर पर किसी जगह पर ऊंची जगह पर बिठाया गया और आपने कुरान पाक की आयात जो है वो तिलावत करके हजरत किबला फखर मिल्लत ने, हम क्योंकि अलीपुर शरीफ के आस्थाने की ये रिवायत है, मुतालिकीन है वो तो जानते हैं, बाकी लोग कुछ इस बात का इल्म ना हो कि खानदान का हर फर्द हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पहला काम जो है वो चाहे कुछ और करे या ना करे पहला काम उसका क्या है, कुरान पाक हिफ्ज करना, ये वहां की लाजमी बात है, लाजमी शर्त है। हजरत किबला फखर मिल्लत की उम्र 4 साल 4 महीने और 4 दिन हुई तो आपको उस्तादों के सामने बैठा दिया गया कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए, 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया।